हेलो फ्रेंड्स, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर से आप कैसे साइन आउट कर सकते हैं, यानी कि ईमेल आईडी को कैसे रिमूव करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो मैं किसी सब्सक्राइबर के लिए बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो सब्सक्राइबर तक पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ। अगर आपको आपकी प्ले स्टोर से ईमेल आईडी आपकी रिमूव करना है तो जस्ट मैं जो स्टेप बताने वाला हूँ उसको फॉलो कीजिए। तो जस्ट पहले तो आप अपने फ़ोन सेटिंग्स में जाइए। फ़ोन सेटिंग्स में जाने के बाद जस्ट गूगल पे टाइप कीजिए। गूगल पे टाइप करने के बाद जस्ट आपकी जो मेल आईडी है तो जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जस्ट कुछ फ़ोन में टॉप राइट साइड में 3 डॉट्स देखने को मिलते हैं, और कुछ फ़ोन में ये ऑप्शन काम करता है होम बटन के लेफ्ट साइड का बटन जो है, तो जस्ट उसको प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद रिमूव अकाउंट, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद तो ये जैसे आप रिमूव अकाउंट पे क्लिक करेंगे वो 100% आपका जो अकाउंट है वहाँ से गूगल प्ले स्टोर से रिमूव हो जाएगा। जब भी आप गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो आपको फिर से आपकी मेल आईडी इंटर करके आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका गूगल प्ले स्टोर। तो एक सिंपल तरीका है आपके गूगल प्ले स्टोर से साइन आउट करने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियोज हम डेली आपके लिए लिखाते रहते हैं हिंदी में, वो भी बिल्कुल भी फ्री, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप अपने सारे डाउट्स कमेंट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।